ज टूडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसन दैट इज ग्रेफाइटिस इन और मेडिसन सीरीज फॉर दिस ग्रेफाइटिस वी हैव सेलेक्टेड ओबीज फायो एल्फाबेट वर्ड्स ओबीज यानी मोटा या मोटे लोग यहां पर चूंकि ओबेसिटी इसमें अहम है तो ये इस वजह से सेलेक्ट किया गया है अब व्यूअर्स जो ओबीज का जो पहला अल्फाबेट है ओ ओ से वही आपको याद रहने वाली बात ये है कि ओबीज जो मोटे लोग हैं इसके साथ वही मोटे लोग होंगे तो चर्बी वाले फैटी किस्म के लोग होंगे और चिली मतलब कि जिनको सर्दी ज़्यादा लगती हो ये नेचर पेशेंट्स की ग्रेफाइटिस की पेशेंट्स की हुआ करती है व्यूअर्स यहाँ पे जो मायूसी है और रोना है ये भी इसकी ख़ास बात है और यहाँ पर व्यूअर्स जो मायूसी के अलावा और रोने के अलावा जो मरीज इसके होते हैं वो उनको अक्सर कब्ज़ रहती है अब ओबीस के जो दूसरा अल्फाबेट है बी व्यूअर्स बी से आपको याद रहने वाली बात यह होनी चाहिए कि बर्निंग है है स्टॉमिक में जो खाने से पीने से खास तौर पर खाने से बढ़ता यहां पर सोर बिल्चिंग जो कट्टी डकार है यह भी इसकी खास बात जहन में रखे व्यूअर्स यहां पर आ, जो कॉन्स्टिपेशन है कब्ज है वो बहुत ज्यादा अहम है जिस तरह पहले ही बता दिया इसमें जो आ, स्टूल है वो गांठदार किस्म का नोटी इसके अलावा इसमें जो इसके टुकड़े होते हुए वो लंबे होते हैं और स्टूल जो है वो मुश्किल से निकले निकलेगा आसानी से नहीं निकलेगा और हाँ जो म्यूकस है जो लोआब है उसके साथ मिला हुआ होगा यहां पे जो आ, एनल फिशर है जो आ, मकद है उसमें शगाफ उसमें कट्स का होना भी इसकी अहम बातों में शामिल है यहां पे आ, जो ओबीस का थर्ड अल्फाबेट है दैट इज ई यहां से जो इरेक्शन का वीक होना इरेक्शन मीन जो इस्तादगी है जो पीनस है जो उज तनासुल मर्दाना है उसमें जो सख्ती है वो अगर कम हो तो ये जो इरेक्शन है इसका वीक होना इसकी खास बात है कॉशन क्विटस या इंटरकोर्स जो मुजामियत है उससे उसके लिए कोई ख़ास दिल नहीं करेगा उससे कतराएगा आएगा इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर इस ई में आपको जो औरतों से मुतालिका दो चार बातें याद रहनी चाहिए वो ये है कि जो ओवरीज है उसमें सख्ती होगी जो बेना बेजा हैं उसमें सख्ती इसकी ख़ास बात है जो निपल्स हैं ब्रेस्ट के वो क्रेक्ट होंगे और जो प्रोराइटिस वोल्वा जिसको आप कहेंगे जो अनदाम निहानी है उसमें ख़ारिश का होना यहाँ पर इसकी ख़ास बात आप लोग में रखें व्यूअर्स जो मिनसिस का आ, बहुत लेट होना है ये भी इसकी ख़ास बातों में शामिल है और बीस का जो नेक्स्ट अल्फाबेट है एस यूर जहाँ पे जो एस है स्किन प्रॉब्लम इसकी बहुत ज़्यादा अहम अत आप जहन में कंसिडर करें ख़ास तौर पर इसकी जो स्किन सिम्टम्स है अलामात है उसमें स्किन का अनहेल्दी होना गैरसहतमंद और ड्राई होना वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है इसके अलावा वो जो क्रेक्स है मतलब कि कट्स है ये इसकी बहुत ज़्यादा अहम सिम्टम आप लोगों के जेन में होनी चाहिए व्यवर्स जहाँ पर जो स्किन उबार है इरपशनस है वो इसकी खास बात है ख़ास तौर पर एग्ज़ीमा इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी दवा है जब इससे एक्जीमा से ओजिंग होती हो स्टिकी किस्म का मवाद का मतलब है कि जो एग्ज़ीमा है जो दाद दादे उससे लेसदार किस्म का मवाद का रचना इसकी खास बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए व्यूअर्स यहाँ पर जो नाखून है इनके प्रॉब्लम्स के लिए भी अहम है जब नाखून जो है वो मोटे हुए हो उसमें भी क्रेक्स हो और यहाँ पर वो भी आप कह ले के डिशेप हो गए हो मतलब कि उसकी जो शेप है वो उसमें कोई खराबी हो गई हो व्यूअर्स जो बीस का लास्ट अल्फाबेट है दैट इज ई इसे याद रहने वाली बातें व्यूअर्स ये होनी चाहिए कि आईलेट्स जो है जो पपोटे हैं उसमें अगर एक्जिमा हो दात चंबल जैसी बात हो तो इसकी ख़ास बात आप लोग में होनी चाहिए वो सुरख हो, होते हैं और उसमें सूजन होती है और फिशर्ड मतलब क्रेक्स का होना भी इसकी ख़ास बात आप लोगों के जहन में हो यहाँ पर व्यवर्स जो कानों में शोर का होना है ठिनीटस ये भी इसकी ख़ास बात है जब रमलिंग या हमिंग मतलब कि बुनबुनाहट और गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ें कानों में महसूस होते हों व्यूअर्स आई होप के जो ग्रेफाइटिस है इन फिंगर टिप्स की बदौलत आप लोगों को इसका याद करना आ, समझना बहुत ज़्यादा इजी होगा इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी हुई तो किसी और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन को नेक्स्ट अपनी जो मेडिसिन सीरीज़ है इसमें लेके आएंगे तब तक अल्लाह हाफ़िज